हेलो एवरीवन, मैं स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जगदीप शर्मा, अभी मैं आया हूं, आपको फ्लैक्स पीछे दिख रहा होगा, स्टे हैप्पी फार्मेसी, कुछ अलग सी केमिस्ट की शॉप है। इनसे हम पूछते हैं कि ये शॉप किस चीज़ की है। वैसे तो केमिस्ट की दिख रही है, मतलब किस चीज़ स्पेशल क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप बुरा। भाई साहब ये केमिस्ट की शॉप कुछ अजीब सी है, मतलब स्पेशलिटी क्या है इस केमिस्ट की? ये केमिस्ट शॉप आम केमिस्ट शॉपों से अलग है। ये एक भारत सरकार द्वारा एक प्राइवेट संस्था एक्यूम्स फार्मा से जेनरिक मेडिसिन की शॉप है। ओ जेनरिक, मतलब वो जो मोदी जी कहते हैं जेनरिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब खास बात क्या है? वही मेडिसिन, वही सेरिडोन की गोली आप दे रहे होगे। सर सेरिडोन तो एक्चुअली बंद हो चुकी है। अच्छा अच्छा। हाँ जेनरिक मेडिसिन में खास बात ये है, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बनकर कस्टमर तक आती है। ओके। और बीच में वही साल्ट होते हैं, वही सब कुछ होता है। इससे क्या है कि पेशेंट्स को, जो आम जन है, जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी, आसानी से दवाई ले सकता है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भाई कोई भी गरीब आदमी दवाइयों की कमी के कारण मरना नहीं चाहिए। तो मतलब देखो, गरीब आदमी का मतलब पैसे से है तो कोई सस्ती है दवाई तो वही रेट होगा। नहीं नहीं, दवाई में 70-80% रेट डिस्काउंट है, जो मार्केट से जो रेट्स हैं उनसे 70-80% रेट डाउन है इनके। अच्छा, वाजी वाह, दर्शकों ध्यान रख लेना। ये अपनी शॉप कहाँ है बता दो आप? ये हुडा ग्राउंड के अंदर शॉप नंबर 69 बालाजी मेडिसिन सेंटर। वाजी वाह, तो ये सभी अपने ये कस्टमर्स भी हैं और मित्र भी हैं। तो मैं इनसे कुछ अलग सी बात कर लूँ? हाँ, अपने टॉपिक से अलग। हाँ, ठीक है ठीक है भाई साहब। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मेरे युवा साथी बैठे हैं। इनसे हम वही बात पॉलिटिक्स की। भाई साहब मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो ना, चेयर वेयर हो तो। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब आपका? दीपक। दीपक, जींद का क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आओगी? जींद में काफी रोमांचक समीकरण है, तो रोमांचक मतलब टाइम बताएगा, बाकी टाइम बताएगा ना। क्या लग रहा है अभी सुनने में, कह रहा है कौन सी पार्टी का जोर है? दुष्यंत चौटाला ने जो नई पार्टी बनाई है उसके आने के चांसेस ज्यादा है। उसके आने के चांसेस ज्यादा। आप दुष्यंत जी के साथ हो? हाँ। ओह माय गॉड, हम सब दुष्यंत के फैन है। देख लीजिए, दुष्यंत के फैन है जी ये। तो सबके सब दुष्यंत के फैन हो। वाह। तो भाई साहब किसकी पार्टी आएगी? दुष्यंत चौटाला, अलका जुलाना से हूं मैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? संदीप दहिया, सामड़ो खुर्द। वाह जी वाह, दुष्यंत जी छोरे ने पिछाने दो। ये थोड़ा बाबा हो रहा है पे दो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब कौन सी पार्टी आओगी? ये भाजपा आएगी जी। क्या बात है भाई, अपने झंडे ने दूर रखो रही। भाजपा कैसे आओगी? बिल्कुल आओगी जी, काम जो भाजपा सरकार कर रही है बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और जो ये कह रहे हैं भाई काम नहीं हो रहे, लेकिन काम होने में टाइम लगता है। इनको कांग्रेस सरकार को जो 24-25 साल 40 साल गुजर गए हैं, इनके होते हुए काम नहीं हो रहे, जो ये 4 साल में काम हो रहे हैं। बहुत अच्छे काम कर रही है भाजपा सरकार, लेकिन काम को करने में कुछ टाइम लगेगा, खड्डे भरने में टाइम लगेगा। हाँ, खड्डे लगा लो, कुछ भी लगा लो। अच्छा। जो लाइन पटरी से नीचे उतरेगी उसको चढ़ाने में कुछ टाइम लगता है। टाइम लगता है। आपकी क्या रणनीति है भाई साहब सरकार के बारे में? हाँ दुष्यंत, आप दुष्यंत के बारे में, दुष्यंत की रणनीति बताओ भाई, के कुछ खास बात है? दुष्यंत क्यों आओगा, के करे दुष्यंत ने? दुष्यंत ने तो अभी नई पार्टी बनाई, जिस तरह से कही है, नई चीज पर कैसे भरोसा करोगे? मतलब जिस तरह से लोगों ने जुआ खेलना, जिस तरह से लोगों ने बीजेपी भी जुआ खेला, इस बार दुष्यंत पे जुआ। भाई साहब बीजेपी भी जुआ खेला लोगों ने? ना जी भाई साहब, बहुत पुरानी पार्टी है बीजेपी, कोई जुआली नेशनल पार्टी है कोई, मतलब जुआली पार्टी को ना, कोई जुआली पार्टी नहीं। भाई साहब क्या कहना है? हरियाणा में तो जुआ ही खेला था, क्योंकि लोग कांग्रेस से उब गए थे। तो फिर हरियाणा में तो ठीक काम कर रही होगी? हरियाणा में ठीक ठाक ही कर रही है बस काम, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट। नौकरी करनी पड़ रही है? नौकरी तो नहीं, ना नौकरी मिली ना ही और किसी कोई रोजगार वगैरह का सिस्टम है। अच्छा, क्या कहते भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि हमने विश्वास करके, मैंने तो पहले भी नहीं वोट दी थी बीजेपी को। हाँ बिल्कुल भी नहीं दी मैं। हाँ, इनेलो को वोट दी थी। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने देखो विश्वास तोड़ा है। एक तो मैं सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि जहाँ भी ये सरकार बनी हरियाणा से, जातिवाद को बढ़ावा दिया है हमारे दिलों में, जो कि हम नहीं मानते, लेकिन असर कहीं ना कहीं डाला है उन्होंने, कहीं ना कहीं बात बिल्कुल डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। कि ये भाई फलाना है, ये दकड़ा है, गांव में भी देखने को मिली है चीज़,
अच्छा, दूसरी बात, बिजनेसमैन है, इन्होंने खर्चे काफ़ी बढ़ाए, घटाया कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आपको मैं तो, ये तो बैंक के खर्चे बढ़ाए हैं, आम आदमी बोले मुद्रा लोन आप लेके देखो, अगर 50,000 रुपये 4,000-5,000 रुपये ना खर्चा हो तो मैं लिख के देता हूँ। भाई साहब क्या कहना है आपका? भाई साहब जो ये कह रहे हैं, हमने तो आज तक लोन लिया नहीं, ना जरूरत पड़ी है भगवान की दास है। अच्छा ठीक है, बाकी जो काम करिए बढ़िया करिए, जो पहले खर्चों से बहुत कम खर्चे हैं। अच्छा, जो पहले खर्चे लगते थे, अब जाते थे किसी बैंक वाले के पास या मुद्रा लोन का ही भाई साहब जो जिक्र उठा रहे थे, तो पहले से ही वहाँ रिश्वत रखनी पड़े थी। वाह वाह भाई साहब, आप किसके फैन? सर मैं राजकुमार सैनी का फैन हूँ। अरे क्या बात है, तोड़ दाड़ा मारता है, क्या खास बात लगी राजकुमार सैनी? सर जो जींद का देखा जाए तो ये तिकोणा समीकरण लगा रहे हैं। तिकोणा में कौन सी तीन पार्टी? दुष्यंत चौटाला हो गया, और आपका ये सबसे मेन तो दुष्यंत चौटाला है, और फिर कांग्रेस आती है जिसको शायद हमारे हिसाब से बलजीत रेड्डू जी हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, उन लक्ष्य मिल्क प्लांट वाले, उनको टिकट मिलने की संभावना है। अच्छा जी, कांग्रेस की तरफ से। और तीसरा है जो वो राजकुमार सैनी मेरे हिसाब से, जो ये आश्री गेट पे है ना, प्रमोद आश्री नाम है शायद, विनोद आश्री। अच्छा जी, उनको वोट टिकट मिलने की संभावना। लोग तो यूं को राजकुमार सैनी ने सबसे ज्यादा कास्टिज्म फैलाया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये मन ये अपने उसके ऊपर बात हो जाती है कि मतलब लोगों की सोच की सोच है। हाँ सोच है। लेकिन तो भाई साहब कांग्रेस के बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस का कोई चांस नहीं 1% भी आने का। कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, मतलब यहाँ पे तो बीजेपी, दुष्यंत चौटाला और राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी के बारे में क्या कहना है? राजकुमार सैनी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रैली के हिसाब से तो दो ही लगते हैं, कांग्रेस और आपका ये कांग्रेस और बीजेपी। ओके ओके, आपका क्या कहना है भाई साहब सैनी बाबत? उससे तो जो समाज को बांटे हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, और अच्छे आदमियों का बहुत हैं। अच्छा कुछ भाई ये कह रहे, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार आपके? राहुल गांधी देखो लोगों ने वैसे हवा बना रखा है कि ये वो आदमी बरतेंगे, जब भी पता चलेगा ना। राहुल गांधी तो बरते नहीं, मोदी नहीं अभी आया नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी क्या क्या आशाएं लगी थी, सारा हिंदुस्तान नाराज है, 5 की 5 सीटें इसकी हाथ से गई है। कौन सी 5 सीट गई? ये मध्य प्रदेश गया, राजस्थान, हरियाणा में दोबारा मेयर की 5 सीट आ गई बीजेपी की। किसो मेयर का नहीं, ये तो खुद वो खट्टर भी कहते हैं, वह हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि इनसे उन इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अरे लेना देना कोई, फिर भी आगे बीजेपी है हमारे भाजपा के मित्र ये भी कह रहे हैं, अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि सैनी की आएगी, तो कह रहे हैं दूसरे बंदा, मैं यार तू वोट तो उसकी देगा, नूला नहीं ये भाजपा ही की है, तो अलग पार्टी बना रहे हैं या खुद ये कह रहे हैं कि अलग पार्टी। वाह वाह भाई साहब, आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी आनी चाहिए, आनी कौन सी चीज़ जींद के अंदर उपचुनाव में, बताओ पहले, तो आगे तो फिर बाद में बात करेंगे। सर जींद के उपचुनाव में देखो काफ़ी खट्टर मुकाबला रहेगा। खट्टर मुकाबला, खट्टर का मुकाबला रहेगा, खट्टर का तो रहेगा ही रहेगा, खट्टर मुकाबला भी रहेगा। हाँ जी, इसमें देखो तिकोणा मुकाबला रहेगा, कांग्रेस दुष्यंत और बीजेपी, ये कुछ भी नहीं कह सकती कि भाई कौन है वी। और राजकुमार जी वो तो बीजेपी की बी ग्रुप पार्टी बता रहे हैं। अच्छा नहीं, वो अपना मेंबर भी खड़ा कर चुके हैं विनोद आश्री जी, आश्री जी के नाम पे भी वोट आ सकती है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बात नहीं, लेकिन जो मुकाबला है तीन ही पार्टियों का है। हाँ, दुष्यंत बीजेपी यार, ऐसा मैं भी भर लूं फार्म, सारे भरे, कौन मान के चले कि मैं हारूंगा। अच्छा ठीक है ना, तीन ही पार्टी है, भाजपा और दुष्यंत और कांग्रेस। कांग्रेस ठीक है, बाकी जो इनके कैंडिडेट खड़े होंगे तब आपको भी पता चल जाएगा कौन आएगा। तो निर्दलीय भी रहेंगे सर, बिल्कुल, वो भी वोट खराब करेंगे, है ना। तो सर एक मिनट कहना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर आप ये कह रहे हो कि इन्होंने कास्टिज्म फैलाया है, किन्होंने? राजकुमार सैनी जी ने। अच्छा, तो सर उन्होंने फिर पंडित ही क्यों खड़ा किया आपने उस पर टिकट के लिए? ये कास्टिज्म तो कुछ एक विशेष जाति है उसी के पर मुद्दा उठाया, ऐसा ही कुछ है ना भाई? नहीं सर, ये कह रहे हैं ना कास्टरिज्म फैलाया है, तो उन्होंने टिकट फिर पंडितों को क्यों दिया, जाट को क्यों नहीं दी? हाँ वही, जाट को पंडित दी ना। हाँ पंडित को क्यों नहीं दिया फिर, यही तो दिक्कत है, पंडित को क्यों दिया? चलो चलो ठीक है, तो भाई साहब मेरा तो मुद्दा था इस दुकान पे आने का, और यहाँ पे मेरा पॉलिटिकल बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। धन्यवाद भाइयों,
धन्यवाद। अपना चैनल भाई सब्सक्राइब कर लियो और नीचे कमेंट बॉक्स में सूत्री बात लिखो, गाली गुड़ी लिखी। अच्छा अच्छा भाई, नीचे गाली गुड़ी ना लिखियो, फैमिली भी देखा है। धन्यवाद भाई, राम 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 राम।